चलिए शुरू करते हैं। मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में इसे हम कार्यांतरण कहते हैं। किसी जीव के जन्म के समय अंडे सेने के बाद वयस्क अवस्था में पहुंचने की जैविक प्रक्रिया है। यानी कि कोई जीव यदि जन्म लेता है और वो अपने एडल्ट टाइम तक पहुंचता है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, जिसमें जीवों में अचानक बदलाव होता है। एग्जाम्पल के लिए कैटरपिलर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके उड़ने वाली तितली बन जाती है। ये कुछ समय पहले जो तितली होती है वो लार्वा ही होती है। ये मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल, ये पूरी करने के बाद तितली बनती है। और इसी तरह ये जो मेंढक होता है, मेंढक का जो बच्चा होता है वो आपने अक्सर देखा होगा, वो मछली की तरह होता है। आपने बचपन में उसे पकड़ा भी होगा, वो लगता है बिल्कुल मछली की तरह, उसकी पूंछ भी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जो होती है उसकी पूंछ जो होती है नेस्ट, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती, क्योंकि वो एडल्ट हो जाता है और इसका व्यवहार भी बदल जाता है। और इसके पोषण और इसमें मछलियां, उभयचर, कीट आदि और मोलस्का आते हैं। आप ये देख सकते हैं बटरफ्लाई का जो है, ये देखिए, एक ये देख सकते हैं आप, इसके बाद प्यूपा बटरफ्लाई पूरी बन जाती है पूरी। ये इसी को ही तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, फोसिस के प्रकार, मेटामॉर्फोसिस तीन प्रकार के होते हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये तीनों प्रकार के कीड़ों में देखे जा सकते हैं। और ये तीनों प्रकार के कीड़ों में देखे जा सकते हैं मेटाबॉलिज्म सबसे नंबर वन पर, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो आएगा है मेटाबॉलिज्म, यह एक प्रकार का विकास है। यानी कि उसका जन्म हुआ, लार्वा बना, प्यूपा बना, फिर एडल्ट बना, ये जो प्रोसेस हुई है मेटाबॉलिज्म, यही प्रोसेस इसमें फर्स्ट नंबर पर आ रही है मेटाबॉलिज्म। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर, होलो मेटाबॉलिज्म। ये एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, मेटामॉर्फोसिस है लिखा तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मिला नहीं है ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर आप बटरफ्लाई है, बी यानी कि मधुमक्खी है, आंट यानी कि चींटी, ये कंप्लीट है। हेमी मेटाबॉलिज्म ये इनकम्प्लीट होता है, इसमें जो पंख होते हैं वो भी विकसित नहीं होते।